अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे बहुत अमेजिंग फेशियल शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन या एक्ने पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स हैं तो ये फेशियल उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, स्किन को ब्राइटन अप करेगा। आपको ये वीक में एक बार ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है और साथ साथ इसके बेनिफिट्स को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेना है एक मीडियम साइज़ का आलू, इसको वॉश करके छील लें और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। अब यही पेस्ट हम पूरे फेशियल में यूज़ करने वाले हैं। आलू हमारी स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है, स्किन को इवन टोन करने के साथ लाइटन भी करता है। क्लींजिंग के लिए हम 2 टेबल स्पून पोटैटो पल्प लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पर आप रॉ मिल्क यूज़ करेंगे और 2 to 3 लेमन ड्रॉप्स ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इसको फेस पर अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक अच्छे से क्लींस करेंगे। हर एक स्टेप में इन पार्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है जो पिगमेंटेड होंगे, अराउंड योर माउथ, नोज़ कॉर्नर्स, यहाँ पे भी डार्कनेस है। 5 मिनट के बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएशन। इसके लिए हमें 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर यानी चावल का आटा लेना है। इसमें 2 टेबल स्पून आलू का पेस्ट शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्क्रब रेडी है। इसको फेस पर अप्लाई करके जेंटली मसाज करेंगे। राइस फ्लोर और पोटैटो का ये स्क्रब हमारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो हमारी डल स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स स्किन पर एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेंगे। 5 मिनट स्क्रब करने के बाद फेस को वॉश कर लें। अब फेशियल मसाज क्रीम बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए 1 टेबल स्पून आलू का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल और 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड करेंगे। अच्छे से मसाज करेंगे। फेशियल में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 10 मिनट तक अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करेंगे फेस का और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब हमारा लास्ट स्टेप है फेस पैक। इसको बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी स्किन को क्लियर और हेल्दी बनाती है। 2 टेबल स्पून आलू का पेस्ट लेकर इसमें 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे फेस पर अप्लाई करें और ड्राई होने के लिए छोड़ दें। ये फेशियल हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। आपने इसे वीक में एक बार ज़रूर फॉलो करना है। 10 मिनट बाद ये ड्राई हो जाएगा। इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें जो भी आप यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये फेशियल आपको बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट देने वाला है इंशाल्लाह। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अपनी स्किन के लिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये फेशियल कैसा लगा है।